बादशाह अपनी दरबार लगाता था और बाद में ये कस्बों में तब्दील हुए कस्बों में बदल गए दीज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ये तकफीफ के मराकज भी हुआ करते थे यहाँ पे किंग इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को अंजाम दिया करते थे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर्ट टाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वियर लाहौर आगरा फतेहपुर सिकरी एंड दिल्ली यानी कि कुछ जो अहम कस्बे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, उनमें से लाहौर पहला था आगरा था फ़तेहपुर सिकरी थी और दिल्ली थी एवरी फेमस रूलर ए न्यू कैपिटल फॉर हिज किंगडम जो कोई भी नया रूलर या हुकुमरान आता था वो अपनी नई राजधानी कायम करता था ताकि लोगों में उसका नाम मशहूर हो फेमस हो अकॉर्डिंग टू रेल फिच दीज वेयर मच बिगर देन लंदन एंड वियर मोर पॉपुलर कहते हैं कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हुआ करते थे ये लंदन से भी बड़े हुआ करते थे और ये बहुत ही मशहूर हुआ करते थे दीज टाउन वेयर often ruled in such a way that they become symbols of of power and influence of their emperors। कस्बे हुआ करते थे शहर हुआ करते थे इन पे ऐसे राज किया जाता था ऐसे रूल किया जाता था कि ये एक निशान बन गए किसके लिए पावर को चलाने के लिए यानी कि हुकूमत के निजाम को चलाने के लिए जिससे फिर सरबरा यानी कि हुक्मरान बहुत ही ज्यादा मुतासर होते थे बहुत ही ज्यादा मशहूर होते थे अब पढ़ते हैं हम लाहौर के बारे में लाहौर वॉज कैपिटल ऑफ अकबर बिटवीन फिफ्टीन नाइनटी एट सी कहते हैं कि जो लाहौर था ना ये अकबर की राजधानी थी कहाँ से कहाँ तक पंद्रह सौ पचासी से लेकर पंद्रह सौ अट्ठानवे तक इट वॉज ऑल् सेंटर ऑफ हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्शन और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फनकारी होती थी लाहौर वॉज नॉट एनी ऑफ द यूरोप ऑफ एशिया यानी कि मोनसेरेट जो थे ना उसने लिखा है लाहौर एशिया या यूरोप से कुछ कम नहीं था बल्कि इसका मुआजना किसके साथ किया जाने लगा एशिया के साथ और यूरोप के साथ किसका लाहौर का इट वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ कश्मीरी कारपेट्स एंड शालस यानि कि कहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था एक मरकज था जहाँ पे कालीनों और शालस को बेचा जाता था अबाउट द रिच ऑफ लाहौर एंड कंसिडर्ड इट एज एन इम्पोर्टेंस ट्रेड यानी कि जो यहाँ पे मुसाफिर आए सयाह आए थे वो कहते हैं कि यहाँ के लाहौर के जो अमीर लोग थे और लाहौर उनकी वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर में तब्दील हो गया किस वजह से क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड होने लगा इसके बाद हम पढ़ते हैं फतेहपुर सिकरी को अकबर ब्यूल्ट फतेहपुर सिकरी नियर आगरा यानी कि फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया अकबर ने ही बनाया रैला फिच डिस्क्राइब फतेहपुर सिकरी एज बिगर एंड मोर पॉपुलर देन लंडन कहते हैं कि रैला फिच जो है वो फतेहपुर सिकरी को लंदन से बड़ी करार देते हैं और बहुत ही मशहूर करार देते हैं इन 1571 सी अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट टू 1585 सी कहते हैं कि अकबर ने अपने कोर्ट को अपने दरबार को इसी शहर मुंतकिल किया और वो कोर्ट फतेहपुर सिकरी में कब तक रहा 1585 तक वेन अकबर एबं फतेहपुर सिकरी इट डिकलाइंस इट इम्पोर्टेंस कहते हैं कि जब अकबर ने फतेहपुर सिकरी को ऐसे ही छोड़ दिया तो इसने अपनी वहदत को खो दिया अपनी महसूरियत को खो दिया हाउ योर पीपल कंटिन्यू टू विजिट इट हालांकि लोग आज भी इसका सफर करते हैं एज इट है दरगाह ऑफ शेख सालिम चिश्ती क्यूंकि वहां पे किसकी दरगाह को बनाया गया शेख सालिम चिश्ती की दरगाह को आगरा ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर आगरा वाज अ सीट ऑफ रॉयल अथॉरिटी यानी कि अकबर के दौरे हुकूमत में आगरा क्या थी रॉयल अथॉरिटी की एक सीट हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अमीर लोग बसते थे वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होता था इट वाज द बिगेस्ट सिटी ड्यूरिंग द टाइम क्योंकि इस दौर में वहाँ पे इसको सबसे बड़ा कस्बा सबसे बड़ा शहर समझा जाता था कॉटन एंड सिल्क पे किस चीज की प्रैक्टिस की जाती थी ज्यादा किन चीजों को वहां पे प्रोड्यूस किया जाता था यानी कि कॉटन और सिल्क को इट वॉज वेरी मच इम्प्रेस द विजिटेड इट जो भी मुसाफिर सयाह वहां पे जाते थे वो इस चीज से बहुत ही मुतासिर होते थे दिल्ली इन 1639 सी शाहजहां रूल के दिल्ली कहते हैं कि सोलह में शाहजहां ने दिल्ली को दोबारा से बनवाया एंड नाहजहां आबाद ये तो आपने पहले ही पढ़ा और इसने उसका नाम क्या रखा शाहजहां आबाद चांदनी चौक वाज एन इम्पॉर्टेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ब्यूल टू बाई जहाँ आरा बेगम कहते हैं कि चांदनी चौक जो है वो वहाँ पे मेन कॉम्प्लेक्स था मेन शॉपिंग कम्पलेक्स था जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा बिजनेस किया करते थे उसे किसने बनाया था शाहजहां की बेटी जहां आरा ने और ये आज भी मौजूद है और इसका चेहरा किसकी ओर है यानी कि इसका रुख किसकी ओर है रेड फोर्ट की ओर टेम्पल टाउन डेवलपड रेपिडली ड्यू टू केम टू बी नोन एज द हालांकि जब आपको पता ही है कि हरिहरा और बुका की तरफ से विजयनगर एम्पायर को तो जब खड़ा किया गया यानी कि हम्पी में वहां पे कितने टेम्पल बनाए गए तो जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स को पाया गया मंदिरों को पाया गया उन शहरों का क्या नाम रखा गया टेम्पल टाउन समाउन डेवलपड एज टेम्पल टाउन एंड प्लग्रिमेज सेंटर्स यानी कि कुछ शहरों को टेम्पल टाउन में तब्दील किया गया और कुछ को पलग्रिमे सेंटर्स में तब्दील किया गया जहाँ पे लोग अपनी ख्वाहिशा का इजहार करने जाते थे अपनी मन्नतों को मांगने के लिए जाते हैं टू तो कैटैट है, टू तो द नीड्स ऑफ द टेम्पल एंड पिलग्रिम्स पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेस देयर यानी कि मंदिरों के आसपास आपको तो पता ही है बहुत सारे लोग आते हैं बहुत किस्मों के लोग आते हैं टेम्पल की ज़रूरिया के लिए कौन कौन सी चीजें लगती है तो लोगों ने वहां उसके इर्द गिर्द वैसा ही बिजनेस स्टार्ट किया लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं जब वो पिलग्रिमे सेंटर्स का विजिट करते हैं मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे दूंगा जब आप अजमेर जाते हो ना तो वहां पे आपको पता ही होगा उसके इर्द गिर्द कौन सी दुकानें हैं वहां पे आपको वो फूलदान मिलेंगे वो चादर मिलेंगे यानी कि वहां पे जो दुकानदार है ना वो आपको क्या कहते हैं कि चादर ले लो चादर चढ़ाओ फूल ले लो यानी कि पनखडिया चढ़ाओ किसकी अस्था आलिया पे ख्वाजा मादीन चस्ती रहमत की अस्तां पे तो लोग यही बिजनेस स्टार्ट करते हैं जब इर्द गिर्द या पिलग्रमेज टाउन बनते हैं रिजल्ट न्यू स्टाइल ऑफ सिंगिंग पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो डेवलपड अराउंड दीज पिलग्रमेज सेंटर्स तो आपको तो पता ही है आपने सुना होगा कि जब ये पिलग्रमेज सेंटर्स वहां पे कायम होते हैं तो वहाँ पे सिंगिंग होती है मुख्तलिफ़ कस्मों में गाया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से गाया जाता है पेंटिंग की जाती है आर्टिटेक्चर तैयार किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हो द चीप सांची सरनाथ बोधगया हरिद्वार कुरुक्षेत्र बद्रीनाथ केदारनाथ मथुरा बनारस अलाहाबाद जगन्नाथपुरी का पुरी कांचीपुरम खंजावुर मदुरई तिरुपति अजमेर फतेहपुर सिकरी अमृतसर एंड पटना एक्स्ट्रा यानी कि इन जगहों पे जो ये पिलग्रिमेज सेंटर्स बने या टेंपल टाउन्स बने इनमें ये जगहें ज़्यादा मशहूर है जैसे सांची है सरनाथ है बोधगया है हरिद्वार है कुरुक्षेत्र है बद्रीनाथ है केदारनाथ है मथुरा है बनारस है अलाहाबाद है जगन्नाथपुरी है दवारकापुरी है कांचीपुरम है ठंजावर है मदुराई है तिरुपति है अजमेर शरीफ है फतेहपुर सिकरी है अमृतसर है और पटना वगैरह बहुत सारे ये सेंटर्स कायम किए गए सेंटर्स कायम किए गए क्राफ्ट टाउन एट डिफरेंट इज स्पेशर कंसनट्रेटेड कहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफनकार वजूद में आई लग्जरी गुड्स जो कि आपको पता ही है जो बादशाह हुआ करते थे उनकी मलिकाएं हुआ करती थी वो लग्जरी गुड्स पहना पसंद करते थे दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द क्राफ्ट टाउन इस तरह से फनकारी के कस्बे बनने लगे एम्ब्रॉयडरी ऑन कॉटन सिल्क एंड वूल वॉज क्विट वेल नोन यानी कि जैसे कॉटन की चीज़ें बनने लगी सिल्क की चीज़ें बनने लगी वूल की चीज़ें बनने लगी तो ये अमीर लोगों में शाही लोगों में ये चीज़ें बहुत ही मशहूर हुई इवोरी क्राफ्ट फ्लोरिश इन दिल्ली एंड मैनी अदर टाउनज़ यानी कि वो जो हाथी के जो दांत होते हैं ना तो उसका बाज़ार दिल्ली में सरगर्म हुआ और इसके बहुत सारे इर्द गिर्द के शहरों में कस्बों में द आर्ट ऑफ मार्बल इन ले रीच इड इन मेडिवल इंडिया और मार्बल का तो आपको पता ही है किस में इस्तेमाल हुआ कैसे इस्तेमाल हुआ कहाँ से उसको लाया गया क्योंकि मकराना साइट्स के बारे में आपने पढ़ा है इससे पहले वाले लेसन में कि मार्बल का इस्तेमाल ज्यादातर ताजमहल में हुआ जामा मस्जिद दिल्ली में हुआ मोती मस्जिद में हुआ क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया है तो मार्बल ने ज्यादा इंपॉर्टेंस वस्ती दौर में इख्तियार की की हासिल की। क्योंकि मार्बल में ही फिर ज़्यादातर वो पिचकारी की जाती थी वो नक्शे निकाले जाते थे द फाइनेस्ट कारप्रेट्स वायर प्रोड्यूसड एट लाहौर और सबसे आलीशान कालीन कहाँ पे तैयार की जाती थी लाहौर में बिदरवाज फेमस फॉर इट इज़ ब्यूटिफुल वर्क यानी कि बिदर का नाम बिदरी से ही निकला होगा क्योंकि वहाँ पे बिदर काम को अहमियत दी गई यानी कि बिदर वर्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो मेटल वर्क जैसी होती है जैसे कि वो आपने हुक्का देखा होगा लंबी पाइप और वो छोटे से मेटल में वो हुक्का तैयार किया जाता है या कुछ और चीज़ें इसे कोफ्ता गिरी भी कहते हैं मुर्शिदाबाद वॉज ए प्रोमिनेंट सेंटर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क फेब्रिक्स यानी की मुर्शिद जो था वहाँ पे सिल्क की चीजों को बनाया जाता था वहाँ पे ज्यादातर सिल्क की दस्तकारी होती है हैदराबाद वाज ए है, जिम कटिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर फॉर जूल यानी कि हैदराबाद में वो नायाब पत्थर काटे जाते हैं और वहाँ पे सोनार भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कॉमर्शियल क्योंकि वहां पे जो चीजें पाई जाती थी उनकी वजह से वहां पे तरज पे शहरों को डेवलप किया गया या समंदरी इलाकों की नजदीकी की वजह से शहरों को डेवलप किया गया फॉरन ट्रेवलर्स गिव एक्सटेंसिव अकाउंट अबाउट डोमेस्टिक ट्रेड इन मेडिवल इंडिया यानी कि जो यहाँ पे बैन अवी मुसाफिर आए उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जमीन सर सरजमीन पे, पे ज्यादातर डोमेस्टिक ट्रेड हुआ करता था यानी कि आपस में ट्रेड हुआ करता था किस दौर में वस्ती दौर में यानी कि मेडिवल इंडिया में ग्रोथ ऑफ मार्केट्स एनक्रेज ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अब जब मार्केट्स बनने लगे तो इस तरीके से ट्रेड को तजारत को वसत मिल गई कैसे यानी कि कौमी ट्रेड को भी और गैर मुल्की ट्रेड को भी कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन वायर ऑफ टू टाउनस बेपारी और तजारती खबों की दो कस्में पाई जाती है जैसे इनलैंड टाउनस और पोर्ट टाउनस यानी कि जमीनी या अंदरूनी और बहरी टाउनस कस्बे वजूद में आए ऑलमोस्ट ऑल द अबो कैपिटल टाउनस पिलग्रिमेज सेंटर्स एंड पोर्ट टाउन वेयर हब्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज बट सम टाउनस एक्यूर्ड इम्पॉर्टेंस स्पेशली फॉर देर ट्रेडिंग एक्टिविटीज जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा कि कैपिटल टाउन कैसे बने और क्यों बने तो उसके बावजूद अगर हम देखेंगे पलग्री सेंटर जो थे वो जो पोर्ट टाउन थे ये बिजनेस के हब हुआ करते थे यानी कि मरकज हुआ करते थे लेकिन कुछ जो कस्बे थे कुछ जो शहर थे वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट हुए वो किस तरीके से लोगों के लिए हब बने यानी कि मराकज बने क्योंकि वहां पे ज्यादा क्रेज हुआ करता था वहाँ पे ज्यादा ताजर आया करते थे एवं देम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे मुल्तान इनमें से जो मशहूर वाले थे ना वो क्या था मुल्तान था लाहौर था दिल्ली था आगरा था फतेहपुर सिकरी थी ढाका था पटना था सूरत थी बालासोरा था यानी कि उड़ीसा में बुरहानपुर था यानी कि जो मगरब में वाक़ा है अहमदाबाद था मसौली पटनम था अहमदनगर था गोवा था दमन था दिव था वगैरह वगैरह इब्न बतूता है डिस्क्राइब दिल्ली एज ए मेजर ट्रेड सेंटर इब्न बतूता कहते हैं कि जो दिल्ली था ये एक अहम मरकज था किन के लिए ताजरों के लिए सुपीरियर क्वालिटी राइस एंड शुगर फ्राम कनिज यानि कि आला क्वालिटी का राइस और खांड कहाँ से लाया जाता था कनिज से वीट फ्राम पंजाब और कनक यानी कि गुंदुम उसे कहाँ से लाया जाता था पंजाब से एंड बेटल लीव्स यानी कि बतूल यानी कि इससे वो पान बनाते हैं उसे धर से लाया जाता था यानी कि धर कहाँ पे मध्य प्रदेश में फाउंड देयर वे इन द मार्केट ऑफ दिल्ली इस तरह से इस कारोबार ने भी मकबूलियत हासिल की कहाँ पे दिल्ली में ही अहमदाबाद एंड कासिम बाजार वेयर फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स यानी कि अहमदाबाद और कासिम बाजार में किसकी चीजें बना करती थी कॉटन और सिल्क की काबुलवास फेमस फॉर हॉर्स कैच काबुल से क्या लाए जाते थे गोडे लाए जाते थे क्योंकि वो पहाड़ों पे बड़ी तेजी से चलते थे और जंग के लिए उन्हें खरीदा जाता था वेल मेंटेन रोड्स लिंकिंग ट्रेड और रोल्स को इस तरह से कनेक्ट किया गया लिंक रोल्स के साथ कनेक्ट किया गया आपस में इनको इस तरीके से जोड़ा गया ताकि ये दूसरे के साथ मिल सके और इस तरह से डोमेस्टिक ट्रेड में यानी कि लोकल ट्रेड में लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल हुआ तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोर्ट्स की जो आपकी हिस्ट्री पे पेज नंबर सेवेंटी वन पे है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वा फी अमानिल्लाह